किसी जॉब को पाने की पहली सीढ़ी आपका रिज्यूमे फॉर्मेट है। जी हाँ दोस्तों, ये वही डॉक्यूमेंट है जो जॉब मिलने और ना मिलने का एक सबसे बड़ा कारण भी है, जिसकी वजह से आप अपने हाथ से कोई बड़ी जॉब भी खो सकते हैं। क्या आपको भी अपने खराब रिज्यूमे की वजह से जॉब मिलने में मुश्किल आ रही है? तो चलिए आपकी इस मुश्किल को दूर करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में पूरा बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट एंड करियर चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रिज्यूमे क्या होता है और एक बेहतर रिज्यूमे कैसे बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। रिज्यूमे बनाने से पहले आप यह जान लें कि रिज्यूमे क्या होता है और रिज्यूमे का हिंदी अर्थ क्या होता है, तो रिज्यूमे बनाना आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और इस वजह से वह अपना गलत रिज्यूमे बना लेते हैं, जिसका असर उनकी जॉब पर पड़ता है। रिज्यूमे टेम्पलेट एक छोटा सेल्फ इंट्रोडक्शन होता है, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन, स्किल, अचीवमेंट और वर्क एक्सपीरियंस के बारे में लिखा होता है, जिससे इंटरव्यू लेने वाले को पता चलता है कि आप इंटरव्यू देने के योग्य हैं या नहीं। एक अच्छा रिज्यूमे इंटरव्यू लेने वाले पर अच्छा इम्प्रेशन डालता है। रिज्यूमे एक या दो पेज का होता है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होता, क्योंकि इसमें सभी डिटेल्स शॉर्ट फॉर्म में दी जाती है। आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब से रिलेटेड ही रिज्यूमे बनवाया जाता है। रिज्यूमे को जॉब प्रोफाइल के अनुसार चेंज भी कर सकते हैं। यह होता है रिज्यूमे का सही अर्थ। चलिए अब हम यह जान लेते हैं कि आपका नौकरी रिज्यूमे किस तरह का होना चाहिए और जानते हैं अपना सही रिज्यूमे कैसे बनवाएं। दोस्तों जॉब न मिल पाने के कारणों में एक सबसे बड़ा कारण खराब रिज्यूमे भी होता है। यही वो डॉक्यूमेंट होता है जो आपको इंटरव्यू के रास्ते तक ले जाता है। तो रिज्यूमे बनाने का तरीका क्या होना चाहिए, यह बात जरूर जान लें। दोस्तों अगर आपको रिज्यूमे बनाना बहुत कठिन काम लग रहा है तो परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि रिज्यूमे बनाने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। बस आपको रिज्यूमे बनाने का सही तरीका आना चाहिए। आप अपना रिज्यूमे कंप्यूटर या मोबाइल में आसानी से बना सकते हैं। एक अच्छा रिज्यूमे इंटरव्यू लेने वाले पर एक अच्छा प्रभाव डालता है। ऐसे कई कैंडिडेट हैं जो खराब रिज्यूमे के कारण रिजेक्ट हो जाते हैं। किसी भी जॉब में सिलेक्ट होने के लिए रिज्यूमे इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। यह तो बात हुई रिज्यूमे और उसकी रोल की, अब आइए जानते हैं रिज्यूमे बनाते समय क्या करें और क्या ना करें। अगर आप रिज्यूमे बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि रिज्यूमे में क्या करना सही होगा और क्या करना गलत। नंबर एक, आप जिस जॉब के लिए रिज्यूमे बना रहे हैं उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ लें। इससे आपको पता चलेगा कि क्या स्किल्स और क्या रिक्वायरमेंट मांगी गई है। आप चाहें तो आसानी के लिए उस कंपनी की वेबसाइट भी देख सकते हैं, इससे आपको उस कंपनी के बारे में काफी कुछ जानने को मिलेगा। नंबर दूसरा, कभी भी किसी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म ना लिखें। इससे हो सकता है कि उसका फुल फॉर्म और उसकी जानकारी आपको पता हो लेकिन इंटरव्यू लेने वाले को नहीं। नंबर तीसरा, फॉन्ट साइज और फॉन्ट टाइप का ध्यान रखें। अगर फॉन्ट का साइज और टाइप समझने योग्य नहीं होगा तो यह दिखने और समझने दोनों में अच्छा नहीं लगेगा और इंटरव्यू लेने वाले को समझ में नहीं आएगा। नंबर चार, रिज्यूमे में कभी भी नेगेटिव बात और अपनी वीकनेस ना बताएं, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाला इससे आपको उस काम के लिए अयोग्य समझेंगे। हो सके तो जब वो इंटरव्यू के दौरान आपसे पूछे तब आप उसे अच्छे से एक्सप्लेन करके बता सके। नंबर पाँच, अपने रिज्यूमे में कभी भी कॉपी पेस्ट ना करें, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाला यह सारी चीजें रोज ही देखता है और यह उनका रोज का काम होता है, जिससे कि वह बहुत जल्द ही पहचान जाएगा कि आपने कॉपी पेस्ट किया है या नहीं। नंबर छह, रिज्यूमे में इंफॉर्मेशन लिखते समय आप बुलेट्स फॉर्म का यूज करें, इससे यह पढ़ने में आसान हो जाता है। अगर आप पैराग्राफ का यूज करते हैं तो इसमें समय भी लगता है और दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये थी वो बातें जो आपको रिज्यूमे बनाते समय ध्यान में रखना जरूरी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इंटरव्यू के लिए रिज्यूमे ही क्यों जरूरी होता है? जॉब के लिए इसे अप्लाई करने के पीछे क्या उद्देश्य होता है? तो आइए जानते हैं रिज्यूमे का उद्देश्य। क्या आप भी यह गलती कर देते हैं और सोचते हैं कि सिर्फ रिज्यूमे ही आपको जॉब दिला सकता है? गलत है, बल्कि रिज्यूमे का उद्देश्य ही अलग होता है। जब भी कोई कंपनी जॉब के लिए वैकेंसी निकालती है तो वह कंपनी उस वैकेंसी के लिए आवश्यक योग्यताओं का एडवर्टाइजमेंट भी बनाती है। जॉब प्रोफाइल नेम, उसकी जिम्मेदारी, जॉब के लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन आदि बातें शामिल होती है। जब कंपनी के एचआर द्वारा आपका रिज्यूमे देखा जाता है
तो आपका रिज्यूमे देखकर एचआर ही डिसाइड करता है कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए या नहीं। रिज्यूमे ही वो जरिया है जिसमें इंटरव्यू लेने वाला आपकी स्किल, आपकी कार्यकुशलता को आंकता है। इसी से इंटरव्यू लेने वाला आपसे इम्प्रेस होता है और आपके सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी ऑन करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।